स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर और आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद और पंजाब हरियाणा हिमाचल और जम्मू कश्मीर का नंबर वन न्यूज चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। शुरुआत करते हैं 4 बजे पंजाब हरियाणा की। सबसे पहले पंजाब से खबर। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की ओर से जारी तीसरी लिस्ट में 23 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। हालांकि जिन 23 सीट पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उनमें अभी भी अमृतसर ईस्ट सीट शामिल नहीं है। कांग्रेस ने दसुआ से अरुण डोगरा को टिकट दी है, भोआ से जोगिंदर पाल सिंह को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं पठानकोट से अमित विज कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अजनाला हलके से कांग्रेस ने हरप्रताप सिंह को टिकट दी है, बाबा बकाला हलके से संतोष सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो वहीं फिल्लौर से करमजीत कौर चौधरी को टिकट दिया गया है। जालंधर नॉर्थ की बात करें तो यहां से तेजिंदर बिट्टू को टिकट दी गई है, तो लुधियाना साउथ से भूपेंद्र सिद्धू, लुधियाना नॉर्थ से राकेश पांडे को उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, कांग्रेस ने अब जो है तीसरी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 23 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। जिन 23 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए उनमें हालांकि अमृतसर ईस्ट सीट अभी भी शामिल नहीं है। ये वो सीट है जहां से नवजोत कौर सिद्धू ने चुनाव लड़ा था और वे विधायक बनी थी। वहीं कांग्रेस ने दसुआ से अरुण डोगरा को टिकट दिया है, भोआ से जोगिंदर पाल सिंह को उम्मीदवार बनाया है, पठानकोट से अमित विज हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, तो अजनाला हलके से हरप्रताप सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, बाबा बकाला हलके से संतोष सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और फिल्लौर से करमजीत कौर को टिकट दिया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता पंकज कपाही जुड़ चुके हैं दिल्ली से। पंकज, तो आखिरकार 23 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी आ गई है लेकिन अभी भी इंतजार वही का वही बरकरार है जिस सीट का इंतजार हो रहा था। बिल्कुल इंदर, क्योंकि अमृतसर ईस्ट सिद्धू परिवार के लिए छोड़ दी गई है, तो अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस में एंट्री नहीं हुई है क्योंकि उनकी पत्नी ने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में पहले एंट्री जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस में करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जो है वो कांग्रेस उनके नाम की टिकट का ऐलान कर सकती है। इसीलिए अमृतसर ईस्ट जो है वो पेंडिंग कर दी गई है। अमृतसर ईस्ट के साथ ही अगर जोड़ा जाए जलंधर कैंट से परगट सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो सीट भी जो है वो पेंडिंग छोड़ दी गई है। कांग्रेस चाहती है कि परगट सिंह अकेले ही उनको टिकट ना मिले, नवजोत सिंह सिद्धू दोनों को टिकट मिले, जो कमिटमेंट कांग्रेस की तरफ से की गई थी। यही वजह है कि जलंधर कैंट सीट भी जो है वो छोड़ दी गई है। अगर जलंधर कैंट के साथ साथ नकोदर की बात की जाए तो पार्टी ये सोच रही थी कि परगट सिंह नकोदर से हार सकते हैं, इसलिए उन्हें नकोदर भेजना चाहिए, जलंधर कैंट से वो हार सकते हैं, तो ऐसे में नकोदर सीट भी यही वजह है कि वो अभी तक पेंडिंग रख दी गई है। साहनेवाल की बात की जाए, सतविंदर बिट्टी का नाम चल रहा था लेकिन वो सीट भी जो है पेंडिंग छोड़ दी गई है। लेकिन आज की 23 सीटों की बात की जाए तो फ्लोर सीट सबसे अहम सीट मानी जाएगी क्योंकि फ्लोर सीट में सरवन सिंह फ्लोर का नाम चल रहा था लेकिन दूसरी तरफ लगातार जो है उनके खिलाफ खलाफा चल रही थी। लगातार ये कहा जा रहा था कि अकाली दल से आए हैं उनको किस तरह से टिकट मिलनी चाहिए। चौधरी संतोख सिंह जो है वो जलंधर से कांग्रेस के सांसद हैं, तो ऐसे में चौधरी संतोख सिंह क्या देखा जाए तो उनका बेटा चाहता था कि उनको वहां पर टिकट मिले लेकिन कांग्रेस ने जो है चौधरी संतोख सिंह की जो पत्नी है उनको टिकट दी है। लेकिन अगर बाकी सीटों की बात की जाए तो बाकी जो सीटें हैं इस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की छाप देखने को मिली है। जिस तरह से वो चाहते थे उसी हिसाब से जो है हाईकमान ने उनकी सहमति मानते हुए जो है टिकटें दिखती हुई नजर आ रही है। क्योंकि समाना की बात की जाए, समाना जो है लाल सिंह के बेटे को वहां पर जो है टिकट मिली है, राजिंदर सिंह का नाम है। हालांकि